आप जाकर के पूछ सकते हो कितने लोग जानते हैं भाग्या करो मैं जिनके लोग हैं, पूछो इनसे सही है गलत है। एक झोपड़ी थी लिखी ये सुन लो थी झोपड़ी दोस्तों, आंटी कितने पढ़े लिखे लिखते हो अनपढ़ है, बहन आप कितनी पढ़ी लिखी 5वीं पढ़ी लिखी है, समझना बात को। मैंने छोड़ा गणपत सर को, गणपत सर ने कहा सर कर्जे का होकर लेने तक कर्ज मांगने वाले तकाते रोज घर पर आते हैं, कंपनी भाग के आती है अपनी वाली, इसका मेरा क्या कसूर है, मैं तो अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा था, मैंने थोड़ी बोला था कि तुमको पैसा, मैंने तो प्लान बताया था लोगों को, लोगों ने अपने लालच का पैसा लगाया था। बैठे आते हैं अपने लोग यहाँ पर, अरे बैठे हैं, अरे तुम्हारी गलती नहीं है, वो लोगों का लालच था, जिन लोगों ने अपने लालच के लिए पैसा लगाया था तुमने चोरी। तो सर एक झोपड़ी थी, मैंने कहा गणपत सर से मैं बोला सर पकड़ लो हाथ, ये हाथ 70 करोड़ का है, ये हाथ मत छोड़ना, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप चाहे रहो या ना रहो इस दुनिया में, लेकिन आपके जो भी आपने सपने देखे हैं वो सपने भी पूरे होंगे और आपके वो सपने भी पूरे होंगे जो आपने नहीं देखे हैं। और आज वो हो रहा है, ऊपर वाले को कुछ और लिखा था और इनके पास में मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे, कभी बहन ने उनकी मिसेज ने कभी उनको 100 रुपए दिए, कभी माँ ने 100 रुपए दिए तेल डालने के लिए मोटरसाइकिल में। मुझे याद है आज भी जब मैं एक बार उनके साथ फील्ड करने के लिए जा रहा था तो दोस्तों 100 रुपए का पेट्रोल लगाने के लिए पैसे नहीं थे, 100 रुपए मैंने दिए थे, ये कंडीशन थी। आज गणपत मीना सर इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग में है और हम लोग नर्क में है, वो ऊपर बैठे हुए देख करके आज अपने उस फैसले पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, उसके बावजूद आज मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। पिछले एक साल के अंदर मीना जी नहीं है इस दुनिया में, उनके डिसीजन की बदौलत आज मीना जी इस दुनिया में नहीं है। आज एक साल के अंदर 24,48,000 आपके अकाउंट में आए, अकाउंट चेक कर सकते हो किसी को डाउट हो, और अभी ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं, ब्लैक डायमंड बनने तक 45 लाख रुपया और आएगा। इतना ही नहीं आएगा बल्कि दोस्तों लाखों करोड़ों आएगा, इन बच्चों का भविष्य बदल गया, इन बच्चों की जिंदगी बन गई, इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको कोई 500 रुपए कर्ज देने वाला नहीं था, आज उनकी बागिया गांव के अंदर एक शानदार कोठी है, एक गाड़ी है, और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी झांकी है। बताइए ये है मुद्दा दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो ये बिजनेस न केवल आपके सपने पूरे करता है, न केवल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, बल्कि ये बिजनेस उस स्लोगन को 100% फिट करता है जिसने कहा जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज दोस्तों गणपत मीना जी दुनिया में नहीं है, 5वीं पास वाइफ, ये 12-13 साल की बेटी, ये 5 साल का बेटा और ये अनपढ़ माँ बाप, इनको कोई 1 रुपया भी देता कोई 1 रुपया? ये ताकत है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, क्योंकि गणपत मीना सर के उसे इस सन की वजह से आज गणपत मीना सर के नीचे 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। 2 लाख लोग कितने? 2 लाख लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में। आज गणपत मीना सर का नेटवर्क है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गणपत सर का। ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये है जोड़ने वाला काम। बताइए हमारा मुद्दा सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो दोस्तों जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए दोस्तों। आज के बाद में एक ही मिशन पर चलना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक। आई बात में धन्यवाद आप सभी का।